ये तो पहले से ही पता था कि वो टीएमसी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिस टाइम में 19 मार्च में वो सुभाष सिंह को पहाड़ में लेके आया, उसी टाइम सभी को पता चल गया कि ये टीएमसी को सपोर्ट करेगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्री कैलकुलेटेड और प्री प्रेडिक्टेड डिसीजन था, हम लोग को मालूम था। उन लोगों का कोई पॉलिटिकल एंटिटी नहीं है, और जब आज इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि टीएमसी को सपोर्ट करने के लिए, तो जितना भी उनका बेस है और कम होते जाएगा, क्योंकि टीएमसी गोरखालैंड के अगेंस्ट का पार्टी है, और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जब 1986 में जन्म हुआ था उस टाइम में ये अलग राज्य गोरखालैंड के लिए था, तो आज जिस पार्टी ने अपोज कर रहा है उनका सपोर्ट दे रहा है, तो उसका पॉलिटिकल एंटिटी अब जीरो हो जाएगा फिर।